सकुशल संपन्न हुई पहले दिन की पुलिस भर्ती परीक्षा। डीएमएसपी रहे गतिशील, विभिन्न परीक्षा केंद्रों का लिया जायजा। बलिया, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा संचालित पुलिस आरक्षी भर्ती के पहले दिन की दोनों पाली की परीक्षा जिले में 43 केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई। पूरी परीक्षा के दौरान जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा गतिशील रहे। दोनों अधिकारियों ने शहर व आसपास के आधा दर्जन परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। इसके अलावा फोन के माध्यम से पूरे जिले में हो रही परीक्षा पर नजर बनाए हुए। जिलाधिकारी सबसे पहले सेंट जेवियर स्कूल में पहुंचे और वहां केंद्र व्यवस्थापक को परीक्षार्थियों की प्रॉपर फ्रिस्किंग, डबल चेक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एवं परीक्षा से जुड़ी अन्य संवेदनशील बिंदुओं पर जानकारी ली। इसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर वहां से कुंवर सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय और कुंवर सिंह इंटर कॉलेज में जाकर हो रही परीक्षा का जायजा लिया। दूसरी पारी में उन्होंने पुलिस लाइन में बनाए हुए कंट्रोल रूम में जाकर पूरे जिले में हो रही परीक्षा के बारे में जानकारी ली। सभी केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक और सह केंद्र व्यवस्थापकों की तैनाती करते हुए पूरी सख्ती से परीक्षा कराने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए थे। कंट्रोल रूम के जरिए पूरे जिले में हो रही परीक्षा पर नजर रखी रही थी। इसके बाद गुलाब देवी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय और गुलाब देवी बालिका इंटर कॉलेज में हो रही परीक्षा की सूचिता का जायजा लिया गया। आपको बता दें कि परीक्षा को सकुशलतापूर्वक, सुचितापूर्ण, नकल विहीन, निर्विघ्न व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किया गया था। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी, क्षेत्राधिकारी सदर SN वैभव पांडे मौजूद रहे।